स्वच्छ भारत अभियान जो एक तरफ पूरे भारत में इस समय विद्यमान है, चलायमान है, इस पर राजनीति भी होती है, लेकिन काजनीति जहां जहां होती है वो प्रेरणा बन जाती है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ के सेक्टर 10B वृंदावन का है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, उसका नाम है राधे कुंज परिवार। और इस राधे कुंज परिवार ने मिसाल कायम करते हुए इस वार्ड को स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छ बनाने के लिए एक मिशन चलाया। सभी लोगों ने एकीकरण करते हुए, एकात्मकता दिखाते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने बीड़ा उठाया और स्वच्छ भारत के मिशन को सार्थक बनाने के लिए झाड़ू उठा ली। और राधे कुंज फैमिली ने सेक्टर 10B जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर अव्यवस्था की अस्वच्छता पर एक प्रहार करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के लिए झाड़ू उठाकर स्वच्छ बनाया अपने इस 10B को। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार समर्पण दिया वो वाकई में देखने और लाजवाब और तारीफ की बात है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, नौजवान और साथ साथ बच्चे और महिलाओं ने भी इसमें समर्पण दिया। यहाँ एक जो सोसाइटी है उनकी, वहाँ की स्थानीय महिलाओं से और सोसाइटी की अध्यक्ष महिलाओं से और यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष से हमारे रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर अरशाद खान ने खास बातचीत भी की। साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रत्याशी जो संभावित हैं, जो संभावित रहे थे अब प्रत्याशी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, उनसे भी हमारी खास बातचीत हुई है। आइए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट और आपको मालूम पड़ेगा कि स्वच्छ भारत आखिर धरातल पर कैसे आया है। नमस्कार, हाजिर है इस 10B राधे कुंज फैमिली में सफाई अभियान का मुहिम लेकर महिला कमेटी की अध्यक्ष बीना मिश्रा और समस्त टीम के साथ उपस्थित है हमारे बीच में। वृंदावन वासियों से बिना निवेदन करती हूँ, कृपया अपने कॉलोनी के साफ सफाई पर हर घर के हर व्यक्ति ध्यान दे और पूरा फुल सहयोग करे। सब उर्वशी मैडम है, उनसे भी कुछ बातें करते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है साफ सफाई में। उर्वशी जी देखिए, हमारी पूरी कॉलोनी 10B आज इस स्वच्छता अभियान में अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए समिति, कमेटी और एक एक सदस्य को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सफाई अभियान एक ऐसा अभियान है जिसको हम लोग अगर निरंतर जारी रखते हैं तो इससे अपना देश भी स्वच्छ, समाज स्वच्छ, अपने गली मोहल्ला स्वच्छ, साथ साथ हमारे अंदर न तो कोई बुराई पनपने पाएगी और न कोई हमारे अंदर बीमारी पनपने पाएगी। बहुत अच्छा आपने सुना उर्वशी जी से। सोसाइटी के महामंत्री नरेंद्र सिंह शंकर जी उपस्थित थे। सबसे पहले आप सभी कॉलोनी वासियों का मैं हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर तरह का सहयोग हमें दिया। सबसे बड़ा जो ये हम लोग ने जन आंदोलन चलाया है, मैं सभी कॉलोनी वासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आगे भी अनवरत इसको जारी रखें और स्वच्छता सबसे जरूरी है, उसको हम लोग अपनाएं और अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ रखें। और इन्हीं के कड़ी में एक अध्यक्ष साहब, अग्रवाल साहब जो हैं, ये सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, इनसे भी दो बातें जान। मैं सबसे पहले अपने सभी निवासियों का, सभी साथियों का, श्री राधे कुंज परिवार का सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सफाई अभियान में, सघन सफाई अभियान में अपना तन मन धन सबसे सहयोग दिया। हमारी पिंकू भैया ने प्रस्ताव रखा था कि सघन सफाई अभियान चलाया जाए और ये पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। इसमें राजनीतिक दल, सामाजिक दल, अपने हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग जो है अपने पूरी ऊर्जा से, पूरे तन मन से हाजिर हैं और सफाई अभियान सफल हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग सफाई कर्मी को अपने घर का कूड़ा दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया वो भी सब अपने घर का कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, कॉलोनी में सफाई रखें, स्वच्छता रखें। हर्ष महसूस करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया 10B परिवार में, ये एक जागरूकता के तहत, ना कि किसी राजनीतिक मंच के तहत, और ये एक जन संदेश देने के लिए और जन भावना को जागृत करने के लिए कि जब हम उठेंगे तभी हमारा आपका समाज साफ सुथरा होगा और सुंदर होगा, और ऐसे समाज की कल्पना की जाए जिससे कि संदेश दूर तक जाना चाहिए। इस 10B परिवार की तरफ से पूरे वृंदावन सोसाइटी को संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें और विचारों का आदान प्रदान करते रहें। हम हाजिर हैं यहाँ पर
सेक्टर 10-10B में है और स्वच्छ भारत अभियान धरातल पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमोद कुमार के साथ उनकी टीम और डॉक्टर पीके गुप्ता, जिनका लगभग मैं मानूं कि स्वच्छता स्वच्छ भारत पर उनका धरातल पर अब तक काम बहुत रहा है सामाजिक सरोकार मंच के माध्यम से, इस बार भी वो लगे हैं और जमे हैं और इस तरह से धरातल पर नजर आया यहाँ पर सेक्टर 10B में, वो निश्चित रूप से लाजवाब और उसमें वाहवाही तो होनी ही चाहिए। हम बात करेंगे डॉक्टर पीके गुप्ता से भी और आमोद कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं इब्राहिमपुर सेकंड से, आइए हम बात करते हैं कि आखिर इस मुहिम को क्यों चलाया और आखिर आगे कैसे चलेगा। आमोद जी, चूंकि स्वच्छ भारत तो पूरे देश का पूरे देश में और ये होना भी चाहिए, आपने चुनाव के समय क्या इसे रणनीति के तहत किया या कुछ और? नहीं नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कंसेप्ट है और इसको हम लोग जमीन पर धरातल पर लेके आए हैं। और ये स्मार्ट सिटी का जो दर्जा है लखनऊ शहर के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वार्ड स्मार्ट वार्ड बने और इसी के अधीनस्थ हमारे प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ है, उन्हीं के सहयोग से ये काम जारी रहा है। यहाँ उपस्थित शिव बिरंग दुबे जी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्रीय हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। दुबे जी, ये जो आज के कार्यक्रम हुआ इससे पहले भी होना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम, आपको विश्वास है कि आमोद जी जब जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे भी होंगे? ये कार्यक्रम जब से प्रधानमंत्री जी ने हमें चालू किया है तो हम लोग रेगुलर चला रहे हैं, हर जगह पीआई गेट चला रहे हैं, डॉक्टर पी गुप्ता जी चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं, हर जगह लगे रहे और चलते ही रहेगा। ये चुनावी मुद्दा से लेकर नहीं है, ये हम लोगों का सफाई अभियान का सुरक्षा का हमारे लोगों का पुराना अभियान है, हम बहुत जोरों शोरों से शुरू करने का आगे वैसे ही उतर करते रहेंगे हम इसको। आप देख रहे होंगे मैं भी बिल्कुल लोअर और उसमें हूँ, सुबह सुबह से ही जारी हो गया पूरे इस टीम के साथ में, तो निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि काम हो रहा है। इरशाद खान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हुआ। मेरे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी, आप ये चेहरा तो परिचित होगा आपसे, तमाम डिबेटों में तमाम जगहों पर आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हुआ और सामाजिक सरोकार मंच के तहत, चूंकि इससे पहले भी हमने देखा है संघमित्रा मौर्य के माध्यम से भी आपने सफाई कर्मियों का सम्मान किया था झाड़ू देकर, कई कार्यक्रम आपके होते रहे हैं, इस कार्यक्रम के तहत क्या विश्वास दिलाते हैं और क्यों इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कुछ आपके विचार क्या है इस कार्यक्रम को लेकर जरा बताएं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो परिकल्पना है अंत्योदय, समाज का आखिरी व्यक्ति, उसको एड्रेस करते हुए जब मेरी बात हुई आमोद कुमार जी से, मैंने इनका विजन समझा तब लगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं। अभी शुरुआती दौर की राजनीति है इनकी, तो उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वार्ड और स्वच्छ वार्ड, मुझे लगा कि ये इनके अंदर अभी लाग लपेट नहीं है, तो मैं इनके साथ जुड़ गया और एज ए सोशल ऑडिट के तहत मैं इनके साथ लगातार वॉच कर रहा हूँ इनके एक्शंस को, इनकी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि जवाबदेही हम लोगों की है कि इसे हम लोग किस तरीके से काम लेते हैं। बेसिकली एग्जीक्यूटिव पार्षद है ये, बाकी सभी पार्षद हैं, आम जनता भी पार्षद है, उसी एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। अजय कुमार सिंह जी हमारी जैसे टीम, सामाजिक सरोकार मंच की टीम, हमारी सरला सिंह जी, लगातार वो लोग जो जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं। हैवत मुंह में गए हम लोग, वहाँ पर देखा कितनी नारकी स्थिति है। लखनऊ जैसे शहर में एक ऐसा वार्ड जहाँ पे आज भी एक बहुत पुराना गांव बसता है, सोचिए, जबकि नगर निगम हुए 10 साल हो गए, उस विद्यालय पे भी चले गए, उस विद्यालय पे भी गए हम लोग जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। हैवत मोह प्राथमिक विद्यालय, मैंने इनको कहा कि सर आज बिजली नहीं है वहाँ पे, पिछली बार हम अपने जो है रणनीति के तहत मैंने देखा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, देखा वहाँ भी बिजली नहीं है। इसका मतलब लोग चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं, लोग वैसे ही बने रहे, उसी अवस्था में रहे, लेकिन अब परिवर्तन का दौर चला है, क्योंकि मोदी जी ने जो एजेंडा चलाया है ऊपर से, वो जमीन पर कैसे उतरेगा वो पार्षद ही उतार सकता है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वार्ड और स्वच्छ वार्ड का जो नारा है, यह वास्तव में उतरेगा। यानी आमोद जी पर पूरा भरोसा, निश्चित रूप से जैसे कार्यक्रम आज हुआ आगे भी होता रहेगा? नहीं, ये देखिए अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इन पे इतना प्रेशर होगा, आपका प्रेशर, हमारा प्रेशर, इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं से, ये बीजेपी है, इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसमें हम भी कुछ बोल सकते हैं, ये भी कुछ बोल सकते हैं, तो देश की पार्टी है और इनको सबका साथ सबका विकास, आखिरी व्यक्ति जो उपेक्षित है उसके लिए भी इनको काम करना पड़ेगा, इस पर हम लोग
नजर रखेंगे। देखा जिस तरह से अभी तक बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से विकास होगा, साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान पर भी काम धरातल पर होगा। हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ के लोगों से निवेदन करूंगा कि स्वच्छ भारत का जो नारा अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था, स्वच्छ भारत बनाना है ये ठाना है शब्द ऐसा कुछ था, मैं चाहूंगा एक बार माइक के माध्यम से पूरे जितने लोग खड़े हैं एक बार नारा जोर से हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। अब हमने यह ठाना है कमल का फूल खिलाना है, लगभग आप देख रहे हैं आक्रोश और उज्ज्वलता और ऊर्जा, ये कह रही है कि कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है और प्रमाणिक दृष्टि से कुछ करना है। कैमरामैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज।